So hello, welcome to lecture 2 of application of integrals. In the last lecture हमने कुछ simple curves के area under the curve देखा था, जैसे कोई curve है fx और यदि मैं इसका area निकालना चाहता हूँ, ये जो curve बना रहा होगा fx, ये जो line होगी vertical line, इसको बोलूँगा मैं x equal to a, ये vertical line है x equal to b और x axis, इन चारों के बीच में जो area होगा उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. नहीं, जैसे कि इस एरिया को तो एक तरीके से निकाल सकते हैं. कैसे निकलेगा ये वाला एरिया? इसमें वर्टिकल स्ट्रिप डालेंगे हम लोग, ठीक है. एक वर्टिकल स्ट्रिप डालते हैं इस तरह की, ये विद मान लेते हैं dx, और इस वर्टिकल स्ट्रिप में dx बहुत छोटी सी है तो इसकी हाइट में लगभग सेम मान सकता हूँ, आपको बताया था पिछली क्लास में. तो ये जो इस छोटी सी स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो होगा डी ए इज इक्वल टू वाई डी एक्स, और जो पूरा एरिया निकलना जाएगा वो होगा ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ठीक है. यानी इससे आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स. इस तरीके से हम किसी कर्व का, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व था तो इसका हमने विद एरिया निकाल लिया था. उसी तरीके से हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है. हमें एक कर्व चाहिए होगा, मान लीजिए कुछ ऐसा, ये कोई कर्व है एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई एक कर्व है. तो आपको ये वाला एरिया यदि निकालना है, आपको ये वाला एरिया निकालना है, तो ये मान लीजिए ए से लेकर बी की लिमिट है वाई की, तो ये एरिया हो जाएगा एरिया बराबर. इस केस में आप कैसी स्ट्रिप बनाते हो? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते हो. उस केस में ये वाली जो विड्थ होगी वो क्या होगी? डी वाई विद होगी, स्मॉल चेंज इन वाई. उस केस में आप इन दोनों, ये पूरी इस इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है उसको आप लगभग इसका सेम एक्स कोऑर्डिनेट मान सकते हो. तो ये छोटा सा एरिया क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल एक तरह से, छोटी स्ट्रिप, इसका एरिया हो जाएगा डी ए, जो इसका एरिया होगा एक्स डी वाई, ठीक है. एक्स डी वाई का मतलब है एफ वाई डी वाई. ये छोटी सी स्ट्रिप जो हमने बनाई उसका एरिया है एफ वाई डी वाई. इस पूरे एरिया को यदि करूंगा तो मुझे छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो जो मेरा एरिया आएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई. तो इस तरीके से हम ये एरिया हमने पिछली क्लास में प्रैक्टिस किया था निकालना, कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई किस तरह निकाल देते हैं. विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के लिए आपको फंक्शन एज एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स होना पड़ेगा, और वाई के रिस्पेक्ट में आपको फंक्शन वाई का होना पड़ेगा, ठीक है. आप इस तरह अदला बदली कर लेंगे. फिर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था जहाँ पे मैंने एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में किया, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में किया, उसको चेंज करके, ठीक है, आपको दिखाया था करके. देन मूविंग फॉरवर्ड हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि किसी लाइन और किसी कर्व के बीच में कैसे एरिया निकाला जाता है, और हमने कुछ शेप्स जैसे सर्कल, एलिप्स, इन स्टैंडर्ड केसेस के केस में भी एरिया निकालना सीखा था. सो जैसे कि हमने लाइन वाला जो एग्जांपल लिया था उसको मैं एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके बता देता हूँ आपको. क्लास में हमने जो डिस्कशन छोड़ा था वो इस सवाल पे छोड़ा था कि आपको एरिया बताना था. एक कर्व है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो कि पैराबोला होता है हम जानते हैं, और एक लाइन है वाई इक्वल टू फोर. ये लाइन थी वाई इक्वल टू फोर और एक कर्व था आपका वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इनके बीच में आपको एरिया पता करना था. तो इसके हमने कई सारे तरीके से डिस्कस किए थे, जैसे कि पहले ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, जो कि ये वाला पॉइंट हमने क्या निकाला था, इन दोनों का सॉल्यूशन होगा ये एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू फोर. इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, यानी ये वाला एक्स टू होगा और ये वाला एक्स माइनस टू का, क्योंकि दोनों जगह पे वाई बराबर क्या है, फोर है, ठीक है. तो अब कई सारे तरीके देखे थे हमने, जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालना है मान लीजिए आपको. उस केस में आप ये रेक्टेंगल का एरिया, मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यानी एबीसीडी रेक्टेंगल का एरिया माइनस ये वाला एरिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये स्काई ब्लू वाला एरिया आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे करके देखा था हमने. और ये जो वायलेट वाला एरिया है वो क्या होगा? एरिया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स. एक्स की लिमिट कहां से होगी? जीरो से लेकर टू. जीरो से लेकर ये टू है, जीरो है, ये टू है, तो ये आपको ये बैगनी वाला एरिया आ जाएगा, वायलेट कलर वाला एरिया आ जाएगा इस तरीके से एफ एक्स डी एक्स करके. सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे. एफ एक्स की क्या डाल देंगे? जीरो से लेकर टू एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स, और हमने ये निकाल लेंगे आपका, ये आ जाएगा एट बाय थ्री, एक्स क्यूब बाय थ्री लिमिट डाल देंगे, एट बाय थ्री आ जाएगा. सो इतना एरिया एट बाय थ्री हुआ बैगनी वाला, यानी जो हमें चाहिए स्काई ब्लू वाला वो कितना हो गया? वो होगा रेक्टेंगल का एरिया. रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? हाइट कितनी है? फोर है हाइट, और विड्थ कितनी है? टू. तो रेक्टेंगल का एरिया होगा फोर इंटू टू एट, यानी हमें जो एरिया चाहिए ये वाला उसका वो कितना हो जाएगा? एट माइनस जो निकाला है हमने एट बाय थ्री. रेक्टेंगल का एरिया माइनस ये जो एट बाय थ्री निकाला है ये वाला जाएगा, यानी ये वाला एरिया होगा एट माइनस एट बाय थ्री. एट माइनस एट बाय थ्री कितना होता है? सिक्सटीन बाय थ्री. इतना सिक्सटीन बाय थ्री है तो ये भी सिक्सटीन बाय थ्री हो गया सिमेट्री की वजह से. दोनों कितना हो गया कुल मिला के? 32 बाय 3, ये हमारा टोटल एरिया होगा. सो
ये समझ लिया था। इसके बाद हमने एक और तरीका देखा था करने का कि आपको मान लीजिए पूरा रेक्टेंगल, जैसे एबीसीडी तो मैंने मार्क कर दिया, मान लीजिए ये पॉइंट ई है और ये वाला पॉइंट एफ है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरा रेक्टेंगल ले लो एफ बी सी ई, बड़ा वाला रेक्टेंगल ले लो, उसमें से कौन सा माइनस कर दो, ये वाला बैगनी और ये वाला बैगनी, और ये वाला ये कुल मिला के बैगनी आप कैसे निकाल सकते हो, एफ एक्स डी एक्स लिमिट माइनस टू से लेकर टू तक। उस तरह ये भी देखा था हमने, इसमें भी हमने प्रूव किया था कि आपका आंसर सेम ही आ रहा था। तो ये एक सिंपल सा केस था जहां पे आप एक लाइन और एक एक कर्व के बीच में एरिया निकाल पा रहे हो, ठीक है। बेसिकली जो जगह बन रही है ये बीच में स्काई ब्लू वाली, वो क्या है, एक लाइन और कर्व के बीच में जो एरिया है वो बाउंड जो हो रहा है उसका आपने एरिया निकाला है यहाँ पे। तो इसी पे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं लाइन और कर्व वाले केस पे। जैसे कि आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड सर्कल मान लेते हैं जिसका सेंटर ओ पे है, ओरिजिन पे है। लेट सर्कल की क्वेश्चन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यानी इसका रेडियस कितना होगा, अंडर रूट 32। कितना होता है अंडर रूट 32, 16 into 2 होता है यानी 4√2, यानी रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 4√2। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4√2, 0। ये पॉइंट कौन सा होगा 0, 4√2। ये कौन सा होगा 0, −4√2। ये होगा −4√2, 0। ऑलराइट, सो ये आसान था निकालना, रेडियस कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद हमें जो एरिया निकालना है वो है, एक और आपको कर्व दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है ऑरिजिन से पास होती है और ये ऑड फंक्शन है, एक ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी होगा, यानी वाई इक्वल टू एक्स लाइन आपकी ऐसी बनेगी, ठीक है। और लेट से आपको ये वाला एरिया पता करना है मेरे, ये एरिया किसके बीच में है, सर्कल, ये वाली लाइन और एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब वाई इक्वल टू 0। इन तीनों लाइन के बीच में जो एरिया होगा मुझे पता करना है, तो वो एरिया मेरा ये होगा। इस सवाल में वर्टिकल स्ट्रिप से करना चाहता हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप से करने का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना चाहता हूँ, तो एक ही तरीका है, आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट आपका ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, लेट्स से। सो इस केस में आप क्या देखेंगे, जो आपको जो एरिया निकालना है वो क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ रीजन ए बी सी। अब ए बी सी कोई ट्राइंगल नहीं है, ये क्या है, कर्व सर्फेस है, ये कैसे हम निकाल सकते हैं इसका एरिया, ठीक है। बेसिकली इसका एरिया निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी तो सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए, केस में क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक एक कोऑर्डिनेट्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ए कौन सा पॉइंट है जो लाइन पे भी आ रहा है और सर्कल पे भी आ रहा है, यानी दोनों की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वही हमारे ए का पॉइंट आएगा। कितने सॉल्यूशन आएंगे लाइन और सर्कल के, 2 पॉइंट आएंगे, क्योंकि लाइन और सर्कल यहाँ पे भी कट रहा है और लाइन और सर्कल यहाँ पे भी कट रहा है, लाइन और सर्कल के 2 सॉल्यूशन आएंगे। करके देख लेते हैं जरा, यानी एक इक्वेशन तो वाई इक्वल टू एक्स है लाइन की, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है बी का पॉइंट निकालने के लिए, तो मैं वाई को एक्स डाल दूंगा इसमें, तो मैं इसमें यदि वाई को एक्स डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 4। x इक्वल टू प्लस माइनस 4 का मतलब है इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो है 4, x कोऑर्डिनेट 4 है, और ये किस पे आता है, ये y इक्वल टू x पे आता है, यानी y इक्वल टू भी क्या होगा 4 होगा, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा आपका −4, −4, क्योंकि इस केस में x की वैल्यू −4 होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी −4 होगी, ठीक है। हालांकि इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, बस मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि लाइन और सर्कल के 2 सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि लाइन और सर्कल 2 जगह काट रही है तो 2 सॉल्यूशन होंगे, हमें इस पॉइंट से मतलब था। यानी हमारी ये जो दूरी है OB वो कितनी हो गई, 4 हो गई, क्योंकि A पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, B पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 ही होगा, B पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या होगा 4 होगा, परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये भी एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो गया, यानी हाफ ये हो जाएगा हाफ ऑफ OB इनटू हाइट क्या होगी AB, हाइट हो जाएगी AB, हाइट आपको दी हुई है 4, यानी हाफ 4 × 4 यानी कि 8 आ जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ जाएगा आपके पास, 8 स्क्वायर यूनिट्स आया ट्रायंगल का एरिया। अब जो आपको रीजन दिया हुआ है ये ABC, ठीक है, एरिया जो ABC दिया हुआ है ये वाला राइट वाला जो एरिया दिया हुआ है ये कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा
इंटीग्रेशन। अगर आप वर्टिकल स्टेप से करोगे कैसे करना पड़ेगा, एफ एक्स, और क्योंकि ये कर्व जो ये एरिया जो आप निकालना चाह रहे हो किसके साथ बन रहा है, जो कर्व एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो एक तरह से वही सवाल हो गया कि आपके पास मान लीजिए कोई ऐसा कर्व है, इसका क्या एरिया होगा, इसका एरिया ही तो यही तो होगा, कैसे निकालते हैं वो, एफ एक्स जी एक्स करके निकाल लेंगे। यानी इसका जो एबीसी का एरिया हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ एबीसी वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स क्या होगा, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या है, 32 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि इसमें प्लस माइनस आएगा, प्लस ऊपर वाले पार्ट का होगा, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी वाई की वैल्यू, वाई होता है एफ एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट होगी बी से लेकर सी जा रहा है पॉइंट, बी पे क्या एक्स कोऑर्डिनेट है 4, सी पे क्या एक्स कोऑर्डिनेट है 4√2, यानी लिमिट होगी 4 से लेकर 4√2। और ये सवाल हमने करना सीखा है किससे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ये कौन सी फॉर्म बन गई, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने पिछली क्लास में भी देखा था, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आता है। सो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और फिर आप क्या करेंगे, दोनों को आप एरिया को सम कर देंगे, यानी जो फाइनल एरिया होगा वो होगा आपका ये 8 प्लस ये वाली चीज, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो हो जाएगा 8 इसका आया है प्लस ये जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा ये वाला, ये आपका आंसर बनेगा। अभी जो एबीसी है क्या हम इसको वाई के अबाउट कर सकते थे, ये मैं आपको दिखाता हूँ अगले स्लाइड में। सो आपने देखा था कि सर्कल ऐसा है और ये भी लाइन थी, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ठीक है। मुझे निकालना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से एरिया निकालना है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मानूंगा तो कैसे मानूंगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मुझे ऐसी मान सकता हूं, और क्योंकि वाई एक्सिस चलाऊंगे तो इसकी जो ये जो मोटाई होगी वो हो जाएगी डी वाई, ठीक है, मोटाई हो गई आपकी डी वाई, ये वाली जो लेंथ थी वो तो होगी डी वाई, ठीक है, ये वाली लेंथ होगी डी वाई। ये रेक्टेंगल स्ट्रिप है छोटी सी, जो डी ए है वो क्या है, एक तरह से ऐसी है कुछ कुछ, ये वाली स्ट्रिप का मैं जूम कर दिया ऐसी है, तो आप जानते हो ये वाली जो मोटाई है वो तो डी वाई है, यानी जो उसकी ब्रेथ है। उस रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4, इसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स, यानी इसकी लेंथ हो जाएगी एक्स माइनस 4, आप इसको एक्स नहीं मान सकते। जब ये वाला चीज पूरी होती है, मान लो ये एरिया ऐसा होता, मान लो ये एरिया ऐसा होता, तो आप क्या करते हो ऐसा मानते हो, उस केस में क्या होता है, ये वाली मोटाई तो डीवाई हो जाती है, और ये वाली मोटाई कितनी होती है, जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि यही तो एक्स हो जाएगी इस केस में, इसलिए आप क्या लिखते हो डीए बराबर एक्स डीवाई। पर क्या यहां पे डीए बराबर एक्स डीवाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका रेक्टेंगल कहां से शुरू हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है, यानी ब्रेथ तो अभी भी डीवाई रही पर लेंथ क्या हो गई, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 होगा, कितना दूरी आएगी दोनों के बीच में x माइनस 4, यानी इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा DA, वो होगा DA बराबर लेंथ है x माइनस 4 और ब्रेथ है DY। यानी अगर आपको इस पूरे ABC का एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे ABC का एरिया होगा एरिया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 4 DY, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, b पे y की वैल्यू क्या है 0, ए पे वाई की वैल्यू क्या है 4, यानी 0 से लेकर, ये आप ऐसे कर सकते हो, और एक्स की वैल्यू क्या डालोगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, तो एक्स हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 32 माइनस वाई स्क्वायर, कौन सी वैल्यू लेंगे इसमें से, जो एरिया आप बात कर रहे हो उस केस में आपका एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, इसलिए आप नेगेटिव को निगलेक्ट कर दोगे, इस केस में पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, यानी इससे जो आंसर आएगा और वर्टिकल वाले से जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, सेम आएगा। मुद्दे की बात ये है कि आपको फंडामेंटल्स आपके काफी स्ट्रांग होने चाहिए, आपको कुछ याद नहीं करना है कि आपको एक्स डी वाई करना है, वाई डी एक्स करना है, एफ एक्स डी एक्स करना है, एफ वाई डी वाई करना है। आप सोचिए फंडामेंटल क्या होता है, आपको एक वर्टिकल स्ट्रिप या फिर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी पड़ती है, उसका आपको पहले एलिमेंट्री एरिया निकालना पड़ता है डीए, उसको आपको पूरे को इंटीग्रेट करना होता है, फिर आपका एरिया आता है किसी कर्व का। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड केस नहीं था, देखिए यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड केस नहीं था, हालांकि इसको आप और भी आसान तरीके से कर पाओगे जब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ा दूंगा, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, उसको आप फिर आसानी से कर पाओगे। एक्चुअली ये कौन सा एरिया है, दो कर्व है, एक कर्व तो आपका ये लाइन है, एक कर्व है आपका ये वाला जो आपका सर्कल वाला कर्व है,
इन दोनों के बीच में एरिया भी आप निकाल सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा, मतलब आज ही क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम वो चीज भी। सो पर गोइंग बैक टू द फंडामेंटल्स, आप सारे सवाल कैसे भी एरिया सॉल्व कर सकते हो विद द फंडामेंटल्स की हमको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप माननी है या फिर एक वर्टिकल स्ट्रिप माननी है, ठीक है। सो इस केस में आप सॉल्व कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड केस बन गया था आपका। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं आप।